सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव शंकर है और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर शिव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, वीवो वी 11 प्रो का बैटरी रिप्लेस करके। ये हमारे हाथ में जो फ़ोन देख रहे हैं आप, वो वीवो वी 11 प्रो है। इसका बैटरी जो है वो काफ़ी वीक हो गया है। इसका जो बैकअप है वो बहुत ही कम होता है। लमसम फुल चार्ज होने के बावजूद भी ये बैटरी जो है 2-3 घंटा ही चल पाता है। तो इस वीडियो में आपको इसका बैटरी रिप्लेस करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ बताऊँगा इसमें कौन सा मॉडल का बैटरी लगता है, इस फ़ोन को कैसे ओपन करते हैं, बैटरी को कैसे रिमूव करते हैं, फिर नया बैटरी को कैसे लगाते हैं, ये सारा कुछ मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि फ़ोन को खोलने के लिए आपको 2 स्क्रू लगा होता है चार्जिंग कनेक्टर के बगल में, उसे आपको खोल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का छोटा छोटा स्क्रू रहता है जिसको मैंने खोल लिया है। इस स्क्रू को खोलने के बाद ही आप इसका जो बैक पैनल है यानी कि ढक्कन, उसको खोल पाएंगे। मैं बता दूं फ्रेंड कि मैं पिछले 6 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूं और मैं अभी तक वीवो वी 11 प्रो का 15 से 20 बैटरी डिफरेंट कंपनी का रिप्लेस करके कस्टमर को दे चुका हूं। लेकिन मुझे जो कस्टमर से बेटर रिस्पॉन्स मिला है, मैं उसी बैटरी के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें जो है BF0 मॉडल का बैटरी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो BF0 मॉडल का बैटरी है, आपको मैं जूम इन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो BF0 मॉडल में बहुत सारे कंपनी जो है बैटरी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे जो कंपनी है वो बैटरी बनाता है, लेकिन जो बेस्ट मुझे कस्टमर से रिस्पांस मिला है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में इसका मैं चार्जिंग टेस्ट, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। वीवो वी 11 प्रो में डबल चार्जिंग शो करता है, डबल इंजन चार्जिंग ऐसा करके लिखा हुआ आता है, वो एक फास्ट चार्जिंग होता है, उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, यही भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है पैनल को निकाल दिया है, उसके बाद कनेक्टर को एक एक करके रिमूव करता हूँ। तो आपको बारीकी से एक एक कनेक्टर को रिमूव करना है कुछ इस तरीका से। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा कनेक्टर जो है रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको जो 11D ग्लास होता है उसका जो पत्ती रहता है प्लास्टिक, उसको लेना है। और आपके पास जो स्प्रे होगा या जो भी आपके पास IP क्लीनर होगा, जो मोबाइल क्लीन करने के लिए आपके पास रखे होंगे, थोड़ा सा उस पत्ती के सहारे आपको स्प्रे करना है ताकि जो बैटरी और जो फ्रेम रहता है उसके बीच में जो ग्लू है वहाँ तक पहुँच जाए। तो कुछ इस तरह से स्प्रे आपको कर लेना है। स्प्रे करने के बाद आपको बैटरी रिमूव करने के लिए कुछ इस तरह का जो ओपनर टूल होगा उसका यूज करना है। इसको थोड़ा सा इससे सस्पेंस क्रिएट कर देना है, बैटरी के बीच में गैप क्रिएट करना है और कुछ इस तरह से आपको ताकत लगाना है, थोड़ा सा बैटरी रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद इसका जो प्लास्टिक है उसे भी कनेक्टर को अच्छे से पकड़ के और बढ़िया से, कनेक्टर आपका नहीं कटे ना तो डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है, कुछ आस्ते आस्ते इस तरह से रिमूव कर देना है। तो देखिए हमारा बैटरी जो है बिल्कुल आसानी से मैंने रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी मेहनत से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ और फास्ट मोड स्लो मोड करके ऐसे करके मिक्स करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जिस बैटरी के बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, यह है कावरा का बैटरी है जो कि कुछ इस तरह का पैकिंग में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए मैं इसे फटाफट खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि बैटरी किस तरह का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इसमें जो फिनिशिंग रहता है बैटरी का रहता है। यहाँ कावरा का ब्रांडिंग है और बाकी डिटेल वगैरह इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, इस प्लास्टिक में हटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं साइज, कनेक्टर, मॉडल BF0 दोनों का मॉडल है, मॉडल सेम है। मिली एम्पियर के बाद बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, जूम इन करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दोनों जो है 3300 मिली एम्पियर का दोनों बैटरी है। मिली एम्पियर में कोई डिफरेंस नहीं फ्रेंड। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल मेंशन है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो आज तक जैसा कि मैंने बताया आपको कि 10 से 15 डिफरेंट टाइप कंपनीज का मैं बैटरी जो है कस्टमर को रिप्लेस करके दिया हूँ, लेकिन इसी कंपनी का बैटरी बेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए गारंटी भी होता है इसका 6 मंथ का। यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है 09/22, यानी कि जब भी आप बैटरी लें तो करंट मंथ का लें ताकि आपका गारंटी जो है वो 6 महीने का मिल सके। मैं वीडियो बैटरी रिप्लेस कर रहा था उस टाइम जो है वो 9वां महीना ही चल रहा था, लेकिन अब मैं जो वीडियो एडिट कर रहा हूँ अभी 10वां महीना चल रहा है। लेकिन जिस टाइम आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है बरहमा तरहमा या फिर 1-1.5 साल के बाद भी देख रहे होंगे, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करंट उसी मंथ का बैटरी लें ताकि आपका गारंटी जो है वो वैलिड हो 6 मंथ। तो मैं बता दूं फ्रेंड, देखिए बैटरी को चिपकाने के लिए हिल डुल ना करे, टसमस ना करे, उसके लिए मैं T7000 डिस्प्ले ग्लू का यूज कर रहा हूँ। तो अगर डिस्प्ले ग्लू के बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही साथ आई बटन में दे दूँगा। उसमें आपको जानकारी ये मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ग्लू बेस्ट होता है और कौन से काम के लिए कौन सा ग्लू का यूज करें। तो देखिए हम बैटरी को फिक्स कर चुके हैं और फ़ोन भी हमारा जो है वो ऑन हो चुका है।
तो मैं सारे इसका जो नट बोल्ट मैंने खोला था उसे मैं कस लेता हूँ फास्ट मोड करके, क्योंकि फास्ट मोड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड कि 20 से 21 मिनट का वीडियो शूट हुआ था, उतना तो आप टाइम देंगे नहीं, तो फास्ट स्लो करके ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे स्क्रू को मैंने लमसम कस लिया है, तो ये जो बैटरी है फ्रेंड वो काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह लगा है तो इसे भी मैं क्लीन कर लेता हूँ, ताकि जब मैं फ़ोन कस्टमर को लगा उगा के दूँ तो मैंने बोले कि भाई काफ़ी हद बढ़िया काम किया हुआ है। तो देखिए मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है फ़ोन फिनिश हो गया है, मैं इसका बैक पैनल भी लगा लेता हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरह का मोबाइल रिपेयरिंग का आपके पास दुकान है या फिर मोबाइल रिपेयरिंग आप करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं चार्जिंग टेस्ट भी इसका कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चार्ज लगाने के लमसम एक मिनट के बाद ये जो फास्ट चार्जिंग लेगा कि नहीं लेगा ये बता देता है, तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। और बता दूँ फ्रेंड कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड ऐसे ही टेक्निकल टिप्स ट्रिक्स का वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देखा दूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड लिखा हुआ आ गया है डबल इंजन चार्जिंग, यानी कि हमारा जो बैटरी हो वो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अगर वीवो V11 के लिए बैटरी आप खरीदना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 700 तक, ऑफलाइन आपको मिल जाएगा 550 रुपये तक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।